चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। आज हम लोग ये कॉलेज आए हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से शुरू होता है हमारा पाटलिपुत्र का नंबर वन कॉलेज, ये एन कॉलेज। बाकी आगे देखते हैं क्या क्या कुछ है इस कॉलेज में देखने लायक। और फिर हम लोग आए यहाँ साइंस ब्लॉक, आप लोग देख सकते हैं इसको काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेनेंस किया जा रहा है। कैमरामैन आइए हमारे, अब हम लोग अंदर दिखाएंगे कि आपको कितना अच्छा तरीके से मेंटेन किया गया है। जैसा कि हम लोग पटना कॉलेज का भी हम लोग बना चुके हैं, वहाँ पे इतना अच्छा तरीके से मेंटेनेंस नहीं किया है, लेकिन इसका हम लोग ज़रूर देखना चाहेंगे। क्लासरूम भी बहुत अच्छी तरीके से मेंटेनेंस किया जा रहा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अच्छी तरीके से ये साइंस ब्लॉक का क्लासरूम मेंटेन किया गया है। यहाँ पर लगभग 200 विद्यार्थी आते हैं और सही तरीके से बैठ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस काफ़ी है। तो आ चुके हम लोग मेन बिल्डिंग के जगह पर, आप लोग देख सकते हैं ये है एन कॉलेज का मेन बिल्डिंग और ये है एग्जामिनेशन ब्लॉक, परीक्षा भवन, जहाँ पे परीक्षा से रिलेटेड सारी चीज़ें होती होंगी। और बढ़ते हम लोग आगे की तरफ, और ये है कॉलेज कैंटीन जो कि भले ही छोटा सा है लेकिन कम इस कॉलेज में खुला रहता है। बहुत से कॉलेज के लिए कैंटीन भी नहीं देखने को मिलेगी आपको। आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या कुछ है खाने को, आइए सर। और यहाँ पे देखते हैं हमारे भाई कुछ खा रहे हैं, बताएंगे आप क्या कुछ खा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको यहाँ का और यहाँ पे गेस्ट किस तरह का रहता है। और फिर हम लोग आए कॉलेज के लाइब्रेरी, आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से मेंटेनेंस किया गया है लाइब्रेरी का। लेकिन देखेंगे जब लोग हम लोग अंदर जाएंगे तो लाइब्रेरी में आके क्या कुछ है, चलिए आइए चलते हैं फिर अंदर देखते हैं। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पोस्टर्स लगाए हैं, दिखाइए ज़रा इनको। यहाँ पे एन कॉलेज पटना के तरफ से जापानी लैंग्वेज सीखने का भी कुछ प्रावधान दिए गए हैं, तो अगर आपको अपने लाइफ में कुछ डिफरेंट करना है तो मुझे लगता है आपको जापानी लैंग्वेज सीखना चाहिए। अगर आपके एग्ज़ाम में नंबर कम आ रहे हैं या किसी वजह से आपको किसी का नज़र लग गया तो मुझे लगता है आपको इस प्रेयर के पास आनी चाहिए और एक बार इस प्रेयर की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। मुझे नहीं पता ये कॉलेज में आखिर क्यों लगाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका बहुत ही अहम रोल रहेगा एग्ज़ाम पास कराने में। आज हैं जेडीयू के प्रवक्ता जो कि पहले छात्र नेता हुआ करते थे एन कॉलेज के, आइए इनसे पूछते हैं कॉलेज के बारे में। देखिए सबसे पहले तो मुझे गर्व है कि मैं मेरी पहचान इस महाविद्यालय से बनी और मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि इस महाविद्यालय के प्रांगण को आप अपने यूट्यूब चैनल पर दिखा रहे हैं। सबसे पहले ये एन कॉलेज दूसरे विश्वविद्यालय के कॉलेज से अलग क्यों है ये आपको बताना चाहते हैं कि हमारा ये एन कॉलेज पूरे बिहार में नैक से ए ग्रेडेड है, जो किसी भी विश्वविद्यालय के कॉलेजों को नहीं मिला है। और यहाँ के सभी प्रोफेसर अद्भुत हैं, उनकी शिक्षा के द्वारा ही यहाँ के बच्चे आज एक ऊँची मकान पर पहुँच पाए हैं। मैंने अपनी पहचान यहाँ से बनाई, यहाँ से मैंने छात्र नेता से शुरुआत किया, आज मैं जदयू में प्रवक्ता हूँ। और मैं अपने छोटे भाई को भी यही सलाह देता हूँ कि इस कॉलेज से ज्ञान लीजिए और भविष्य में अपने आप को बनाए। आप उन लोग से ही बात करते थे, वर्तमान में ये लोग प्रतिनिधित्व कर रहा है कॉलेज का, तो आप लोग कुछ बताना चाहेंगे कॉलेज के बारे में। कॉलेज में सब बढ़िया चीज़ होता है, यहाँ पे जब सब टीचर लोग भी अच्छे, प्रोफेसर लोग अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, यहाँ लोग भी जो हम लोग को दिए हैं आज सर सब चीज़ सब बहुत अच्छे से सब लेके चल रहे हैं। देखिए हमारे महाविद्यालय में फॉरेन क्लासेस भी होते हैं, कोरियन क्लासेस भी होते हैं, जैसा कि मैंने देखा वहाँ पे जापान जापानीज करके कोरियन लैंग्वेज होते हैं। सामने आपको इतना बड़ा प्रांगण नहीं मिला होगा एक बीच शहर में, इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि इसे इतना एक्सप्लोर करें ताकि लोगों को पता चले और यहाँ शिक्षा प्राप्त कर सकें। इतना अच्छा प्रांगण किसी महाविद्यालय का नहीं है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि कॉलेज बहुत ही अच्छा है, बिहार का नंबर वन। और फाइनली हमारा इस कॉलेज का सफ़र ख़त्म हुआ, काफ़ी अच्छा कॉलेज था वो, कैमरामैन हमारे साथ आइए। और यहाँ पे हम लोग
अब जा रहे हैं घर, घर के लिए लिख लेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना।